What's up everyone, welcome back to the channel. तो आज से शुरू होने जा रहा है हमारा 21 days program, 21 days strategy, जिसमें आपको सब कुछ अच्छे से revise करना है in 3 weeks. इस हफ्ते में अगर मैं accounts की बात करूँ तो हमें retirement और cash flow statement पूरा करना है. Retirement मैंने already कराया हुआ है और cash flow statement हम लोग अब कर रहे हैं. आज second part होगा cash flow का. First part में मैंने आपको इसके basics कराए थे. आज हम कैश फ्लो को आगे बढ़ाएंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में सीखेंगे. तो चलिए जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं हम लोग इस पार्ट को और बहुत ध्यान से सारी चीजें मेरे साथ साथ सीख लो. लेट्स बिगिन. तो चलिए जी शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब मेरे साथ साथ नोट्स आज भी बनाना जैसे लास्ट क्लास में बनाए थे. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि तीन हेड्स में बनता है, ठीक है. सबसे पहला हेड हमारे पास होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये सबसे बड़ा हेड होता है. उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है. आज हम बेसिकली इस पार्ट को सीखने वाले हैं. ये दोनों पार्ट हम अगली क्लासेस में सीखेंगे तो आपका फॉर्मेट पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है. आज मेरे साथ साथ हेडिंग डालो जल्दी जल्दी से. हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज बेसिकली कि हमें हमारे ऑपरेशन से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, मतलब व्हाट इज द इनफ्लो एंड व्हाट इज द आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम आर ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस का एक रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है. अब ये शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. इसको हम यहां पे लिखते हैं, ये पता होना चाहिए. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए. ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कौन सा वाला होता है सर? ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना, याद करो हमने एक P&L बनाया होता है क्लास 11th में, बनाया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसकी शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत होती है यहां से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है. अब जीपी के बाद हम यहां पे क्या लिखते हैं सारे के सारे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो हमारे डेली बेसिस के बिजनेस के खर्चे होते हैं, रोज रोज के खर्चे होते हैं, उसमें चाहे वो सैलरीज हो, चाहे वो आप कमीशंस ले लो, चाहे वो डेप्रिसिएशन ले लो, चाहे बैड डेट्स ले लो, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो आपके रेगुलर बिजनेस में हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. उसके बाद हम यहां पे क्या लेते हैं? ऑपरेटिंग इनकम्स. तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ये हम इसको क्लोज कर देते हैं. फिर हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नीचे ले आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. फिर हम यहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, या फिर कोई ऐसी चीज जो बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, इस तरीके की चीजें, ठीक है. ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए. इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इधर आ जाती हैं. फिर आपके पास क्या निकल के आता है? फिर आपके पास निकल के आता है नेट प्रॉफिट. ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये हम लोग को गिवन होता है क्वेश्चन में, ये हम लोगों को गिवन होगा क्वेश्चन में. बट ये वाला नेट प्रॉफिट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं ले जा सकते. सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि यहां पे डेबिट में और क्रेडिट में बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसमें कैश का आउटफ्लो भी नहीं हुआ है, कैश का इनफ्लो भी नहीं हुआ है. जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, लेकिन हम फिर भी यहां पे उसको चार्ज करके दिखाते हैं,
है ना। तो ऐसी कुछ आइटम्स हैं जो कि ना कैश का इनफ्लो दिखाती, प्रोविजंस ले लो आप, ना इनफ्लो होता ना आउटफ्लो होता, बट स्टिल हम लोगों ने उसको यहां पे दिखाया होता है, तो हम ये प्रॉफिट तो नहीं ले जा सकते कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो में एनपीबीटी यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालना कैसे है, इसको निकालने के लिए यहां पे सीखो। एक नोट बनाओगे आप एग्जाम में भी, उसको क्या बोलते हो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म्स लिखना, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर करना हो तो उसका एक प्रोसीजर है, क्या है याद रखो। सबसे पहले आपको लेना है करंट ईयर का प्रॉफिट, आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट इसमें से माइनस कर दो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, तो आपके पास एक नेट प्रॉफिट आ गया फिलहाल का, ठीक है। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, आपके पास ये नेट प्रॉफिट आ गया, ओके। अभी क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है। सर क्या क्या ऐड करना है, जैसे कि सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व, आप जो पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो, भाई रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया पैसा तो प्रॉफिट कम हो गया या नहीं हो गया, सही प्रॉफिट पे जाने के लिए उसे जोड़ दें या नहीं जोड़ दें, ट्रांसफर टू रिजर्व यहां पे प्लस कर दो, ठीक है। दूसरा प्रपोज्ड डिविडेंड, जो आपने डिविडेंड प्रपोज्ड करा हुआ था कि हम शेयर होल्डर को इतना पैसा देंगे ही देंगे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, प्रपोज डिविडेंड। तीसरी चीज क्या ऐड करनी है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, साल के बीच में हुआ हुआ प्रॉफिट, डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट ही है, पूरे प्रॉफिट पे आने के लिए जोड़ना है। देखो रिजर्व में पैसा डाला, प्रॉफिट में से निकाल के जोड़ दो, डिविडेंड जोड़ दो, डिविडेंड जोड़ दो। उसके बाद नंबर फोर प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है वो ऐड कर दो इसके अंदर, क्योंकि वो भी प्रॉफिट में से निकाला होगा। और फिर हम इसमें से लेस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स ये लेस कर दो, तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आती है इसको आप एनपीबीटी बोलते हो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालना है याद रखो, जो प्रॉफिट गिवन है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व प्लस प्रपोज डिविडेंड प्लस इंटरिम डिविडेंड प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, ये निकालो, ये वैल्यू आ गई आपके पास एनपीबीटी की, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको आपने यहां पे लिख देना है यहां पे, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम शुरू हो जाता है, ये आपने एक काम कर लिया ना, ये सबसे पहले आना चाहिए। अब क्या करना है, अब हेडिंग डालेंगे एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, आइटम्स। हम लोग अब यहां पे इस प्रॉफिट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन कैश है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जो मेरे बिजनेस में रोज रोज नहीं होती, तो उन्हें अब एडजस्ट करना है। उन्हें कैसे एडजस्ट करूं मैं, जरा सोचो। ये सब एडजस्ट करने के बाद हमें कहां पहुंचना है ये भी सीख लो, हमें पहुंचना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए अपना, देखो मैं अभी कहां पे हूं, मैं यहां हूं नेट प्रॉफिट पे, मुझे कौन सा प्रॉफिट चाहिए, ये वाला चाहिए फिलहाल, ये ऑपरेटिंग, ठीक है। तो अगर मुझे ये गिवन हो नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, ये दिए हो 40,000, ये दिया हो 20,000, तो क्या मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जा सकता हूँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाओगे, 140 माइनस 20, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया 120, मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है ना। ये दोनों प्लस करे, ये माइनस कर दिया, इसका मतलब नेट प्रॉफिट में क्या नॉन ऑपरेटिंग चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, खर्चे जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो ऐड करने पड़ेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस करनी पड़ेंगी। सीधा सीधा हिसाब है, मुझे यहां से यहां नहीं आना, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है। तो ये तो आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कैसे जाया जाता है, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहां पे ऐड करना है क्या नॉन कैश, या सीधा सीधा लिख लो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, तो यहां पर लिखा ही हुआ है, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस ऐड कर दो।
नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग सर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जैसे कि डेप्रिसिएशन, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग कोई गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आप क्या कर देना, जिससे पैसा आपका आउटफ्लो दिखाई दे रहा है बट एक्चुअल में नहीं होता, बस दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो आप उसको यहां से एड बैक कर देना, ठीक है। अच्छा जी, लेस क्या करेंगे, ऐसी ही कोई नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स और गेन्स हो, अगर अगर कोई इनकम्स और गेन्स हो उसको माइनस कर देना सर, जैसे जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। सिमिलरली कोई आपको अगर नॉन ऑपरेटिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ तो वो यहाँ पे आप लेस कर देना, नॉन ऑपरेटिंग है वो, रोज का नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले जो खर्चे वगैरह हैं वो जोड़ दो और जो इनकम्स हैं वो माइनस कर दो, बाकी अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, चिंता मत करना, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लस करना है, ये माइनस कर देना है, तो हम यहाँ पे कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। कौन से प्रॉफिट पे आ गए हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है। वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, याद है फॉर्मूला रेशियोज में वर्किंग कैपिटल इज सी ए माइनस सी एल। तो यहां पे मैं फिर से बोलूंगा कि एक चीज समझ लो, बस बेसिक सी चीज है, दो चीजें होनी है यहाँ पे, एड और लेस, एड और लेस। क्या एड होना है और क्या लेस होना है, वर्किंग कैपिटल का मतलब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, कौन सी दो चीजें सर, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज। अब मैंने आपको बताया था कि करंट लाइबिलिटीज में सीधा सीधा हिसाब किताब चढ़ना है, लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो प्लस कर देना, यानी एड क्या करना है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, कम हुई तो माइनस कर देना, यानी माइनस क्या करना है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। एसेट्स में बस उल्टा है, ठीक है, मतलब कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स ये दोनों हमें प्लस करने हैं और इंक्रीज इन करंट एसेट्स अब हमें ये दोनों करने हैं माइनस, इन्हें यहाँ अंदर ही माइनस करके यहाँ पे आप वैल्यू बाहर ले जाना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये वैल्यू जोड़ दो तो आपके पास एक नेट वैल्यू आ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। हमारे बिजनेस से हमें ये कैश जनरेट हुआ, एक्चुअल में इतना पैसा मेरे पास आया है। अब इसमें से लेस लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स, बिल्कुल लास्ट में आपका इनकम टैक्स पेड जो है वो माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आएगा इसको आप यहाँ बाहर लिख दोगे और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके तीन स्टेप्स हैं सर, तीन स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहला स्टेप है ये निकालना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आना चाहिए, उसका मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। दूसरा स्टेप नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करनी आनी चाहिए कि ये कैसे एडजस्ट होती हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉसेस जोड़ने हैं, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स गेन माइनस करने हैं, ठीक है। फिर आपको वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है, यानी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, ये आना चाहिए। बस ये तीन स्टेप्स में आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी चलता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये करो। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ सो दैट आपको इसमें एकदम से क्लैरिटी आ जाए। इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो चाहे एक ही जगह, ये एनपीबीटी भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक आ रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए जी, इस टाइप का आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, क्या लिखा हुआ है, एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5 लाख आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग, कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं और ये लिखा है कि इसने प्रॉफिट बनाया है इतना, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी कि सर ये कौन सा प्रॉफिट गिवन है, ये हमें प्रॉफिट गिवन है ये वाला, ये नेट प्रॉफिट गिवन है, इसने इतना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। लेकिन अभी मुझे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए और वो वाला चाहिए जिसके अंदर से रिजर्व्स ना निकले हुए हों, अगर रिजर्व हुए तो वो मुझे ऐड करने पड़ेंगे। क्या क्या बताया था मैंने आपको कि अगर ये तो करके दे दिया इसने, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो इसने करके दे दिया, नेट प्रॉफिट बताया एक ही साल का, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि क्या कोई पैसा रिजर्व में गया है, क्या कोई प्रपोज डिविडेंड है, क्या कोई इंटरिम डिविडेंड है, क्या कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है, या क्या कोई रिफंड ऑफ टैक्स है, क्या ये पांच आइटम्स गिवन है मुझे, अगर नहीं है तो फिर मैं वो पूरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लूंगा। देखो जरा,
गुडविल रिटर्न ऑफ दिया हुआ है. सर ये गुडविल रिटर्न ऑफ क्या है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम. डेप्रिसिएशन भी एक नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम. ये भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बताया मैंने आपको. प्रोविजन ये भी एक नॉन कैश. देखो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है. प्रोविजन फॉर टैक्स क्योंकि प्रॉफिट में से टैक्स माइनस होता है तो प्रॉफिट पे एडजस्ट होता है. ये डाउटफुल डेट्स है, ये सेपरेट चलता है. गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है. तो ये पांचों ही नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है. उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसमें रिसीवेबल्स यानी करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड एडवांस में पे करे हैं ये भी करंट एसेट्स, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस पेबल करंट लाइबिलिटी. तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज गिवन है. इसका मतलब ना ही कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है, ना ही कोई प्रपोज डिविडेंड, ना ही कोई इंटरिम डिविडेंड, कोई भी ऐसी आइटम गिवन नहीं है. तो क्या इसी को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लें बस हमारा 5 लाख रुपीज? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एनपीबीटी जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसको कितना लिख दूंगा, रुपीज 5 लाख. इसको मैं लिख दूंगा रुपीज 5 लाख. ठीक है जी, पहला स्टेप खत्म. पहला स्टेप होता है एनपीबीटी ढूंढना. ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करो. सर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या नियम है? नियम ये है कि अगर कोई एक्सपेंसेस लॉसेस हैं तो जोड़ दो, कोई इनकम्स और गेन्स है तो माइनस कर दो, सो दैट हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आ जाए. है ना, नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आना है. अब देखता हूं मैं क्या कोई एक्सपेंसेस लॉसेस दिखाई दे रहे हैं. देखो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल राइट ऑफ करी, इसको हम एक्सपेंसेस लॉसेस की तरह ट्रीट करते हैं. डेप्रिसिएशन, इसमें कोई आउटफ्लो नहीं हुआ है, नॉन कैश आइटम है, पी एंड एल के डेबिट में एक्सपेंसेस लॉसेस की तरह ट्रीट करते हैं. एक और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी लॉस हो गया. प्रोविजन बनाया, कोई आउटफ्लो नहीं हुआ कैश का, पैसा नहीं गया फिर भी पी एंड एल के डेबिट में लिखा हुआ है तो हटाना चाहिए ना, वापस जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए. तो चार चीजें, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये चारों ही आप यहां पे प्लस कर देंगे. यहां पे आप ये प्लस कर देंगे. क्या क्या चीजें थी? डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. चारों ही चीजों की वैल्यू भर दो. डेप कितना है जी हमारे पास? डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन है 50, गुडविल रिटर्न ऑफ 5, 50 और 5 तो ये है 50,000, 5,000. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 20, प्रोविजन 10, 20 और 10 ये है 20,000 और 10,000. ये हो गया जी हमारा काम. इसके बाद क्या कोई ऐसी चीज है, कोई इनकम या गेन जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट? यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड भी है. ये नॉन ऑपरेटिंग चीजें होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती. ठीक है, अच्छा ये हो गया 7500 रुपीज का. 7500 रुपीज का ये हमें लेस करना है. सर अगर प्रॉफिट हुआ होगा फिर तो ऐड होना चाहिए. देखो मैंने आपको बताया हम उल्टा चल रहे हैं, ये मैंने सिखाया ना आप लोगों को. यहाँ पे मुझे नेट प्रॉफिट गिवन है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाना है. तो एक्सपेंसेस प्लस होंगे, इनकम्स गेन्स माइनस होंगे, ये दोनों प्लस होते हैं, ये माइनस होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाते हैं. ठीक है, याद रखना. चलो जी अब फाइनल वैल्यू बताओ ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ गया? 5 lakh plus 50,000, 550, 555, 565, 585, 585 minus 75, 585, 580, 577, 500 आना चाहिए. 577,500 फिर भी कर लेते हैं क्योंकि तुम लोग फिर कमेंट भर दोगे, अरे सर यहाँ गलती, अरे सर यहाँ गलती. 5 lakh plus 50,000 plus 5,000 plus 20,000 plus 10,000 minus 7,500, 577,500 ये आ गया. अब हमें क्या एडजस्ट करना है? दो स्टेप्स हो गए, समझ गए ना? स्टेप वाइज चलो, एनपीबीटी हो गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम हो गया. तीसरा स्टेप क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्ट करना, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बड़ी सीधा सीधा प्लस करो, कम हुई माइनस करो. करंट ओनली, करंट लाइबिलिटी की बात हो रही है. चलो पहले लाइबिलिटी देख लो, ये पिछला साल है, साल का ध्यान रखना, ये अभी वाला साल है यानी ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है. चलो चेक करो, सबसे पहले लाइबिलिटी देख लेते हैं. ट्रेड पेबल पहले 40 था, अब 51 हो गया, तो कितने से बढ़ गया? 11,000 रुपए से बढ़ गया. लाइबिलिटी में सीधा सीधा हिसाब चलता है,
बड़ा तो प्लस कर देना। ये भी लाइबिलिटी है एक्सपेंसेस पेबल, ये 34 था पहले, अब 20 हो गया, ये कम हो गया। सर कितने से कम हो गया? 34 से 20 यानी 14,000 रुपीज से कम हो गया। 14,000 से कम हो गया तो हम भी माइनस करेंगे, ठीक है? तो प्लस करो 11,000, माइनस करो 14,000, 11,000 प्लस कर दो, 11,000 तो कर दो प्लस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और 14,000 कर दो माइनस, 14,000 कर दो माइनस, ये डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है? अभी एसेट्स पे चलते हैं। चलो आओ जी एसेट्स की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट करंट एसेट्स। एसेट्स में चलता है उल्टा हिसाब किताब, ठीक है? चलो चेक करो करंट एसेट्स 26,000 रुपीज से बढ़ गया। एसेट्स अगर बड़े हैं तो हम माइनस कर देंगे, एसेट्स में उल्टा चलना है, बड़े हैं तो माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 2 से 3, ये भी बढ़ गया 1,000 रुपीज से, ये भी बढ़ गए तो हम ये भी कर देंगे माइनस, 27,000 आपको माइनस करने हैं इंक्रीज इन एसेट्स। ये आप कर दोगे 27,000 माइनस। चलो जी अब बताओ मुझे क्या वैल्यू आ रही है, 11,000, ये दोनों माइनस के हैं, 27 और 14 31, 41 माइनस 11, 30,000 नेगेटिव आना चाहिए, 27 प्लस 14 माइनस 11, यस 30,000। अब हमें करना है ये बेसिकली 577,500 में से 577,500 माइनस 30,000, 547,500 और इनकम टैक्स पेड गिवन नहीं है, तो यही मेरे पास यहाँ डैश लगा के, यही मेरे पास 547,500 और यही अमाउंट बाहर 547,500, इसको क्या बोलूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस तरीके से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला जाता है, वही तीन स्टेप सिंपल, दोबारा से देख लो एक बार फटाफट से। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना आना चाहिए आपको, उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करना सीखो, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्ट करने के बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज इसके अंदर एडजस्ट कर दो। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज एडजस्ट करी तो फिर आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, जल्दी से नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, 547,500 आपका फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार से तीन स्टेप्स में आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस भी कराऊंगा, बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के बेसिक्स बता दूं, बस फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की तरफ। कल मैं आपको इन्वेस्टिंग के भी और फाइनेंसिंग के भी दोनों के ही बेसिक्स बता दूंगा, बट दोनों अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा, सो दैट आप रिवाइज कर पाओ। तो आज का होमवर्क कैश फ्लो का बेसिक पहला पार्ट रिवाइज कर लेना, इसको अच्छे से देख लेना, जो भी बुक है उसमें से ऑपरेटिंग के कुछ क्वेश्चंस ट्राई करो कि किस प्रकार से हो रहे हैं, कहीं अटक रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और रिटायरमेंट साथ साथ शुरू कर लो। कल आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वीडियो भी आएगा और कैश फ्लो का भी आएगा, सो दैट आप बीएसटी अकाउंट साथ में कर पाओ इनिशियल 3 डेज में, लास्ट 3 डेज में अकाउंट्स और इको कर लेना, ठीक है? ऐसे मैनेज करके चलो, ठीक है? डन, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलता हूं मैं आपको नई चीजों के साथ, तब तक ये करो ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, थैंक यू।